Welcome to the tutorial, and today we are going to do some image manipulation. मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा tutorial बनाऊँ फिलहाल जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा tools सीख सकें, because this is a very beginner's tutorial. बिल्कुल एक basic सा tutorial है जिसके अंदर कोशिश यही है कि वो tools जो basic आपको Photoshop के लिए चाहिए मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊँ. ये जो अभी मैं कर रहा हूँ काम, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है? तो आइडिया ये है कि दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली वांट टू क्रिएट. ये है वो सीन जो इस वक्त मेरे जहन में है. तो करना हमने इमेज मैनिपुलेशन है, फ़ोटो बैशिंग. कोशिश यही है कि मैं आपको फ़ोटो बैशिंग के बारे में आज बताऊँ. और फ़ोटो बैशिंग एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है जिसके थ्रू आप काफ़ी सारा काम कर सकते हैं. अगर आपको पेंटिंग नहीं आती, डिजिटल पेंटिंग नहीं आती, और आपको फिर भी फ़ोटोशॉप के ऊपर काम करना चाह रहे हैं और इफ़ेक्टिवली काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल पोस्टर बनाना चाह रहे हैं, आप कोई कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं, आइदर यू डू नॉट हैव द टूल्स. फॉर एग्जांपल मैं वैकॉम टैबलेट के साथ काम करता हूँ. इस वक्त जो मैं ये पेंटिंग बना रहा हूँ, ये इस तरह है कि जैसे मैं कैनवस के ऊपर पेंट ब्रश से या पेपर के ऊपर या किसी भी चीज़ से, उसी तरह से मैं इस वक्त एक पेन से काम कर रहा हूँ और मेरे पास एक टैबलेट है. अगर ये आपके पास नहीं है तो आप किस तरह काम कर सकते हैं? आपके पास आइडियाज़ हैं, आप कोई ऐसी चीज़ पोस्ट करना चाह रहे हैं जो बड़ी खूबसूरत है और आप चाह रहे हैं कि लोगों को वो चीज़ प्रेजेंट कर सकें, या आप कहीं पे अपने क्लाइंट को कुछ प्रेजेंट कर सकें, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं. अगर आपके पास वैकॉम नहीं है और आप कुछ नहीं कर सकते, फ़ोटोशॉप जो है बहुत पावरफुल टूल है और ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको. ये तो एक डिजिटल पेंटिंग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है वैकॉम, और इसकी मैं आपको कभी डेमोंस्ट्रेशन दूंगा. काम ये बिल्कुल एक माउस की तरह से करता है, जिस तरह एक माउस से आप काम करते हैं. ये मैं आपको एक सीन बना के दिखा रहा हूँ जो इस वक्त मेरे जहन में है कि मैं इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट करूँ. आप जैसे कि देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे पहाड़ नज़र आ रहे हैं और आपके पास आसमान है और सामने एक क्लिफ है. ये जो माउंटेंस हैं, ये आप देख रहे हैं कि इनका शेड जो है वो बहुत लाइट है बनिस्बत इस क्लिफ के जो हमारे बिल्कुल करीब है. तो होता ये है कि जितना आपके करीब जो भी कुछ होता है वो कंट्रास्ट में बहुत हाई होता है, यानी आप उसके अंदर जो कलर्स हैं वो बहुत शार्प देखते हैं. मगर जैसे जैसे सीनरी जो है वो दूर जाती रहती है, जितनी सीनरी आपसे दूर जाती रहेगी उतना जो है वो आसमान के साथ मर्ज होती रहेगी. देख रहे होंगे, यानी उसके अंदर एक शेड आएगा ब्लू का जो उसको कवर किया हो. अब यहाँ पर इस पिक्चर को और इंटरेस्टिंग करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि एक तो इंटरेस्टिंग करने के लिए, दूसरा स्केल बताने के लिए. स्केल प्रोपोर्शंस का आइडिया होता है. तो ये एक छोटा सा यहाँ पे, छोटा तो नहीं है ऑब्वियसली, साइज़ तो जो घोड़े का होता है वही होगा इसका, लेकिन क्योंकि ये बहुत दूर है इसलिए मैं इसको छोटा सा बना रहा हूँ. तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप जब कोई चीज़ स्टार्ट करने वाले हों तो पेपर के ऊपर एक रफ सा आइडिया बना लें. इसकी पोजिशन ज़रा हॉर्स की चेंज करना चाह रहा हूँ, थोड़ा और करीब कर लेते हैं. ये मैंने यहाँ से कलर लिया, यहाँ से कलर लिया. कलर किस तरह पिक करते हैं? अगर आपने ब्रश लिया हुआ है, अगर आपके पास ब्रश है तो आप कलर जो है सिंपली ऑल्ट दबा के तो आपके पास एक कलर पिकर आ जाएगा. आप कोई भी कलर उठाएंगे तो यहाँ पे कलर वो पिक हो जाएगा. अगर मैं ये कलर उठा रहा हूँ तो ये कलर आ गया. अब मेरे पास बहुत सारी इमेजेस हैं जो मैंने डाउनलोड की हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. मेरे पास ये क्लाउड्स की कुछ इमेजेस हैं. ये एक रेफरेंस इमेज है, बड़ा खूबसूरत. ये भी फ़ोटो मैनिपुलेटेड है, ठीक है? फ़ोटो मैनिपुलेटेड का मतलब ये है बहुत सारी पिक्चर्स को मिला के एक बड़ी पिक्चर तैयार की गई है, ठीक? और इसको हम कहते हैं मैट पेंटिंग. मैट पेंटिंग जो है वो मूवीज़ के अंदर बहुत यूज़ होता है. ये भी कुछ माउंटेंस की पिक्चर्स हैं. ये भी बहुत एक अच्छा पोस्टर डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत इमेज मैनिपुलेशन है. ये वाला हिस्सा एक और इमेज का है, ये बीच वाला हिस्सा किसी और इमेज का है, ये किसी और इमेज से. तो हर चीज़ को इन्होंने मिक्स एंड मैच करके तो क्रिएट किया, ठीक है? ये मैं देख रहा हूँ, हो सकता है यूज़ करूँ, हो सकता है ना यूज़ करूँ,
दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस इमेज, इसको भी हम मैट पेंटिंग ही कह सकते हैं। और ये देखिए पीछे जितने माउंटेन्स जा रहे हैं वो स्काई के साथ मर्ज होते नज़र आ रहे हैं, और जो जितना सामने है आपके उतना क्लियर और क्रिस्प और कॉन्ट्रास्ट इसका हाई। ठीक, चलिए ये भी एक इमेज है, ये भी एक कॉन्सेप्ट आर्ट है, ये तो पूरा डिजिटली पेंटेड है, हो सकता है इसके अंदर कुछ थोड़े थोड़ी जगह पे इमेज मैनिपुलेशन हुआ हो, मगर ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो डिजिटली पेंटेड है, जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने पेंट किया है। कुछ क्लाउड्स के रेफरेंसेज हैं, क्लाउड्स के लिए मैंने ये रेफरेंसेज लिए हुए हैं, लाइट के लिए अगर मुझे चाहिए, हो सकता है यूज़ हो सकता है ना हो। और ये क्लिफ की इमेज है, बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत सी, हॉर्स है, ये भी बड़ी एक वैली की वादी की एक तस्वीर है, बड़ी खूबसूरत सी। तो चले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये बैकग्राउंड के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास स्काई है। अब मैं इसके ऊपर, मेरे पास एक बैकग्राउंड आ गया है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम करना शुरू करूँगा। अब हम माउंटेन्स लेके आते हैं, मैं इसका जो ब्लू है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। कट करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका आपके पास ये मैजिक वॉन्ड का है, आपने ये सेलेक्ट किया, मगर इसमें ये होगा कि ये वाला पोर्शन भी आपका ब्लू के अंदर आ रहा है, जो इसका शेडो का पोर्शन है, तो इस चीज़ को मैंने, मुझे बचाना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कंट्रोल डी करके। तो ये बहुत कम डिफरेंस है ब्लू के अंदर, तो मैं या तो पेन टूल से या फिर लासो टूल से, लासो टूल से मैं इसको एक रफ सा कटआउट बना के तो इसको अलग कर दूँगा। ठीक, अभी जो है ये इमेज हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको चेंज करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने किया रेस्टराइज लेयर। ठीक, अब मैं इसके अंदर डिलीट कर सकता हूँ। माउंटेन आ गए, हमने यहाँ पे इन माउंटेन्स को प्लेस कर दिया, इधर भी प्लेस कर दिया और इधर भी प्लेस कर दिया। एक और चीज़ जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लाइट की डायरेक्शन, और लाइट की डायरेक्शन हर जगह सिमिलर होनी चाहिए। तो अगर हम ये वाली इमेज देखें तो यहाँ पे बहुत ही इवन लाइट है, क्योंकि क्लाउडी है, तो इस वजह से कोई ख़ास डायरेक्शन आपको शेडो की नज़र नहीं आ रही, हर जगह एक इवन सी लाइट पड़ रही है, तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ख्याल रखना होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि लाइट सोर्स इस तरफ से लेके आते हैं, यानी हमारे राइट साइड से। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी। हमने दोनों माउंटेन्स वाली जो लेयर्स हैं, ये दोनों लेयर्स, इनको सेलेक्ट किया और कंट्रोल टी दबा के हमारे पास इसकी सिलेक्शन आ गई। हमने राइट क्लिक किया और हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया, इससे इन दोनों माउंटेन्स की डायरेक्शन चेंज हो गई। एंटर दबाएंगे तो ये आपका फाइनल हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो आगे वाला जो माउंटेन है जिसका ये इतना पोर्शन मेरे पास आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो मूव टूल है, या आप वी दबाएंगे तो आपके पास ये मूव टूल होगा, तो मैं कंट्रोल क्लिक करके तो इसको क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो जाना चाहिए, मगर अभी ये सिलेक्शन में है। आप कोई और लेयर को सिलेक्ट करें और कंट्रोल दबा के आप सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो वो वाली लेयर आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। मैं इसमें से ये अपना एक ब्रश लेता हूँ और ये वाला हिस्सा जो है मैं मिटा देता हूँ। ठीक, और मैं इसको एक और कॉपी बना के तो ये पीछे लेके चला गया। एक चीज़ जो अब नज़र आ रही है वो ये है कि तीनों एक ही तरह के माउंटेन्स हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इस वाले माउंटेन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जो बीच वाला है, हम यहाँ पे ये वॉर्प टूल लेते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हमने जो है यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, इस इमेज को भी थोड़ा हम चेंज कर देते हैं कंट्रोल टी वॉर्प के साथ। इसका ख्याल रखना है कि यहाँ पे स्ट्रेच हो सकती है इमेज। ये तीनों आपने माउंटेन यहाँ पे हमने प्लेस कर दिए। मेरे जहन में एक और चीज़ थी जो मैंने इस वक्त नहीं बनाई थी, मैं अभी उसको बना देता हूँ। एक और क्लिफ हो यहाँ पर और इस क्लिफ के ऊपर एक कैसल हो कहीं पे। एक आइडिया है बस कि यहाँ पे कैसल होगा। ठीक, ये है मेरे जहन में इमेज। ठीक,
अभी मैंने यहाँ पे माउंटेंस डाल दिए हैं, मैं इस इमेज को यूज़ करता हूँ। इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड सारा डिलीट करना है। अब यहाँ पे भी मैं लैसो टूल लेके, तो लैसो टूल जो है उसका जो शॉर्ट की है या हॉट की जो है वो L है, L दबाएंगे तो आपके पास लैसो टूल आ जाएगा। तो मैंने ये लैसो टूल सिलेक्ट किया, ये मैंने सिलेक्शन बना दी। और मैं यहाँ पर लेयर्स के अंदर नीचे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक मास्किंग टूल है, ठीक, लेयर मास्क टूल, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक एंड वाइट के अंदर एक छोटा सा कैनवस इसके साथ बना देगा जो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के साइज़ का है। और ये कैनवस ये करेगा कि जो ब्लैक हिस्सा है वो मिटा देगा और जो वाइट हिस्सा है वो छोड़ देगा। इस कैसल की भी लाइट बिल्कुल इवन है और जो पीछे माउंटेंस हैं उनके ऊपर बहुत शार्प लाइट पड़ रही है एक डायरेक्शन से, तो हमें इस चीज़ के ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले हम इसको पूरा कंपोज कर लें, उसके बाद फिर हम ये सारा काम करेंगे। हमारे माउंटेंस आ गए हैं, हमारे पास एक कैसल आ गया है, और अब हमने जो है जो हमारा आइडिया था कि एक हॉर्स एक क्लिफ के ऊपर है, जैसी क्लिफ मैं चाह रहा हूँ वैसी क्लिफ मुझे मिल जाए, वो चीज़ अभी मुमकिन नहीं थी, तो मैंने इसलिए मुझे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक। ये इमेज जो है इसको मैं रेस्टराइज कर रहा हूँ। एक और तरीका रेस्टराइज करने का ये है कि आपके पास जो भी इमेज है आपने अपना ब्रश सेलेक्ट किया, ब्रश सेलेक्ट कर लिया और फिर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो वो ब्रश काम नहीं करेगा। तो ये मुझे पूछ रहा है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको रेस्टराइज करना पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू वर्क ऑन इट। तो मैं जो हूँ इसको ओके कर दूंगा, तो ये खुद ही इसने इसको रेस्टराइज कर दिया, ठीक है। इसके अंदर से मैं इतना पोर्शन डिलीट कर देता हूँ, ठीक, और ये एक छोटे से सांप यहाँ रह गए थे हमारे पास, इनको भी मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ये जो इसके एजेस बन रहे हैं इनके ऊपर मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा क्योंकि वैसे तो पथरीला है ये, तो कोई मसला नहीं है इसके एजेस जैसे भी हो जाएं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्लोज होके देखेंगे तो बहुत इसके ख़राब एजेस नज़र आएंगे, तो उनको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये काम कर दिया। अब आपको एक इमेज बनती हुई नज़र आ रही होगी। अच्छा, ये एक बहुत ही रॉकी सा क्लिफ है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा काम इस तरह करूँगा, मैं चाह ये रहा हूँ कि ये ग्रीन नज़र आए क्योंकि आपके पास पीछे बहुत सारी हरियाली नज़र आ रही है। इससे मैं थोड़ा सा यहाँ से लैसो टूल लेता हूँ और अपने लिए पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो मेरी इमेज थी उसके अंदर से एक चंक उठा के तो यहाँ पे रख लिया, ठीक। इसको मैं कंट्रोल टी करके छोटा कर देता हूँ क्योंकि ग्रास बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है हमारे करीब, मगर बहुत ज़्यादा करीब नहीं है। तो ये करीब वाला पोर्शन हम आगे कर देते हैं, बाकी जो इसके पीछे पोर्शन होगा उसको हम छोटा कर देते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखें ये सीन भी आपसे दूर जा रहा है, ये आपके करीब है और जैसे जैसे आप आगे देखते जा रहे हैं चीज़ें दूर जा रही हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हर चीज़ एक ही साइज़ की नहीं है, जैसे चीज़ पीछे जा रही होगी उसका साइज़ डिफरेंट होता रहेगा। मैंने पीछे कर दी लेयर्स को, मैं देख रहा हूँ कि मैं ठीक है, तो एक आइडिया आपको यहाँ से हो गया कि भाई हमारी क्लिप बन चुकी है। इस लेयर के अंदर मैं जो ऊपर से इसको इरेज कर देता हूँ, जितनी भी ग्रास मैंने यहाँ पे लगाई थी इस पूरी ग्रास की लेयर को मैं मर्ज कर देता हूँ। तो मैंने जितने भी थे मैंने ये नीचे वाला जो लेयर थी, नीचे वाली जो लेयर थी ग्रास की, इसको सिलेक्ट किया, ठीक,
ये पीछे यहाँ पे, और जो सबसे लास्ट लेयर थी ग्रास की उसको सेलेक्ट किया शिफ्ट दबा के, ठीक। तो ये सारे सेलेक्ट हो गए, शिफ्ट क्लिक करके मैं सबको सेलेक्ट कर लिया, और मैं अब कंट्रोल ई जब करूँगा तो ये वाला पूरा का पूरा मर्ज हो गया, ये सारी लेयर्स एक लेयर के अंदर मर्ज हो गए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया, और अब हमारे पास जो है ग्रास भी आ गई है, ये हॉर्स मैंने सेलेक्ट किया, अब ये हॉर्स है, इसको मैंने राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर दिया, और ये पेन टूल से मैं इसकी एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। क्विक सिलेक्शन कर रहा हूँ क्योंकि हॉर्स छोटा सा हो जाएगा और कुछ डिटेल्स ख़ास हमें नज़र नहीं आएंगी। ये अगर आप कंट्रोल जी करेंगे तो एक दफ़ा सिर्फ अंडू होगा, और अगर आपको मल्टीपल अंडू करना है कंट्रोल ऑल्ट जी करेंगे तो वो मल्टीपल। अब मैं अगर पेन टूल यहाँ लगाऊंगा तो एक बिल्कुल नई स्ट्रोक बनाना शुरू कर देगा, तो इससे बेहतर ये है कि मैं जो पिछला जो पॉइंट था उसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करूँ, या आपको लिंक का आपको नज़र आएगा आइकन, तो आप इसको क्लिक करें, और अब मैं आगे बनाऊंगा तो वहीं से शुरू हो जाएगा। मेरे ट्यूटोरियल्स के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आपने हमेशा तवज्जो देनी है वो है प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस क्या है जिससे मैं अपने काम के फ्लो को अच्छा और बेहतर कर सकता हूँ। बहुत ज़रूरी है एक चीज़ जो समझना, वो ये है कि एक आर्टिस्ट जो है या एक प्रोफेशनल जो है वो किस जाविये से सोचता है और काम किस तरह शुरू करता है। यानी कोई एक कोई प्रोफेशनल आदमी ऐसा नहीं है जो बग़ैर सोचे समझे अपना कोई काम शुरू कर दे, हमेशा सबसे पहले वो कुछ टाइम लगाता है काम को एनालाइज करने में, फिर उसके ऊपर काम करता है। अच्छा, अब हमारे पास जो है ये इसके आउटलाइंस आ गई हैं, इन आउटलाइंस को आप बेहतर कर सकते हैं। आपने यहाँ से ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, ये पेन टूल के नीचे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया जो वाइट वाला है, ब्लैक वाला नहीं, और इससे जो है आप यहाँ पर वापस इन जो पेन टूल से आपने शेप बनाई है उसको आप सेट कर सकते हैं। अगर आपकी शेप नहीं बन रही यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि आपने जब पेन टूल सेलेक्ट किया है और आपने उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो यहाँ पे या तो पाथ सेलेक्टेड है या पिक्सल सेलेक्टेड है, तो आप उसको शेप सेलेक्ट कर लें, ठीक। तो इससे ये होगा कि जब आप कोई चीज़ पेन टूल से बनाएंगे तो आपके पास एक शेप आ जाएगी, उस शेप के अंदर आप फिल भी कर सकते हैं, उसको स्ट्रोक भी दे सकते हैं, जो आपको बेहतर लग रहा है। मैं स्ट्रोक को ऑफ कर दूंगा। ये पेन टूल मैंने सिर्फ सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ किया है। पेन टूल बहुत पावरफुल टूल है, इसको समझना और यूज़ करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। ये टूल मस्ट है कि आपको आना चाहिए, क्योंकि ये इलस्ट्रेटर का भी एक बेसिक टूल है। जब आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हैं एडोबे इलस्ट्रेटर, उस वक्त आपको ये वाला टूल बहुत हेल्प करता है, ठीक है। उसका ज़्यादातर काम ही आपको पेन टूल से करना होता है। तो ये मेरे पास एक शेप की एक लेयर आ गई है, तो मैं इस लेयर के ऊपर जब कंट्रोल के साथ इस पोर्शन को क्लिक करूंगा तो इसने जो है मुझे एक मार्की दे दिया, ठीक है। मैं शेप को ऑफ कर दूंगा और इस वाली लेयर के ऊपर मैं इसको मास्क कर दूंगा। ये मेरे पास मास्क आ गया, ठीक, बहुत अच्छा मास्क आया है। मैं इसको कंट्रोल टी इसको छोटा कर दूंगा अपनी इमेज के हिसाब से। स्काई के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे जो क्लाउड्स हैं वो इस तरफ से रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास सनलाइट इस तरफ से आ रही है। अगर सनलाइट इस तरफ से आ रही है उसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्लाउड्स की ज़रूरत नहीं है। लैसो टूल से एक सिलेक्शन बनाता हूँ क्लाउड्स का। क्लाउड्स अगेन, क्योंकि क्लाउड्स हैं तो इनका फॉर्म बिल्कुल जैसे आप सोच रहे हैं, थोड़ा सा स्काई आ जाए वो हम बाद में भी उसको देख सकते हैं। और बाकी पोर्शन को अगेन इसके साथ भी हम ये कर सकते हैं, मैंने इसको मास्क कर दिया।
ये एक इमेज मैंने हटा दिया। अब ये आपको पीछे बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। शिफ्ट दबा के अगर आप इसको इसके मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो मास्क ऑफ हो जाएगा। मैंने ये इस वक्त इसलिए किया है क्योंकि मैं इसके स्काई का कलर लेना चाह रहा हूँ। ठीक, तो मैंने एक ग्रेडियंट टूल लिया, दो कलर्स यहाँ से पिक किए, एक टॉप का कलर और एक जो है वो नीचे बॉटम का कलर। जब आप ग्रेडियंट टूल यूज़ करते हैं तो ऊपर यहाँ पे आपके पास टाइप ऑफ ग्रेडियंट टूल यहाँ पे आ जाता है, तो मैंने ये पहला वाला यूज़ किया है। हम लोग जो ग्रेडियंट टूल का जो टाइप यूज़ कर रहे हैं वो ये है लीनियर। ठीक है, अगर मैं ये दूसरा वाला क्लिक करूँगा तो ये आपको एक रेडियल ग्रेडियंट देगा। ये हमें नहीं चाहिए, हमें ये पहला वाला चाहिए। ठीक, इससे ये होगा कि जिस लाइन के अंदर हम जाएंगे तो क्लिक और ड्रैग करेंगे ये आपका आ गया। अब मैंने इसका मास्क फिर से लेके आया। अब मैं इसके मास्क के साथ खेलूँगा ताकि मैं इनको क्लाउड को सेट कर सकूँ। ठीक, तो मैंने ब्रश टूल लिया, ब्रश टूल और सॉफ्ट ब्रश के साथ मैंने इसको ब्लैक कलर से अगर मुझे कोई चीज़ मिटानी है तो मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगा और अगर मुझे कोई चीज़ वापस लेके आनी है तो मैं वाइट कलर यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ से इसको चेंज कर दिया, जो छोटे एरोज बने हुए हैं पीछे वाला कलर आगे लेके आ गया। तो अब जो है जो इमेज है उसके अंदर में ठीक हमारे पास ये क्लाउड्स जो हैं फिर से आ गए और स्काई भी हमारे पास बड़ा क्लियर आ गया। दूसरी चीज़ हमने ये करनी है कि जो माउंटेन्स हैं इनको, इनके कलर को हमने अब सेट करना है। ठीक है, इन कलर, इनके कलर को सेट करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों को एक ग्रुप के अंदर ले आते हैं, कंट्रोल जी। ठीक, और इस ग्रुप के ऊपर हम लेयर लेते हैं और इसके ऊपर हम लेते हैं एक एडजस्टमेंट लेयर। ठीक, और मैंने इनके ह्यू सैचुरेशन को क्लिक कर दिया। इस एडजस्टमेंट लेयर का फ़ायदा ये है कि ये इस एडजस्टमेंट लेयर के अंदर आप जो भी प्रॉपर्टी होगी वो उसके नीचे जितनी भी लेयर्स हैं उन सब के ऊपर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन चेंज करता हूँ तो स्काई का भी रंग यहाँ पे चेंज हो रहा है और माउंटेंस का भी रंग यहाँ पे चेंज हो रहा है। एडजस्टमेंट लेयर के नीचे जितनी भी लेयर्स आएंगी उन सब के ऊपर वो इफ़ेक्ट करेगा। ठीक, तो ये मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि ये माउंटेंस को इफ़ेक्ट करे, तो उसके लिए मैं इसको इस ग्रुप के साथ लिंक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑल्ट दबा के इन दोनों लेयर्स के बीच में क्लिक किया तो ये मेरे पास लिंक हो गया। ठीक, अब मैं इसको अपने हिसाब से इसके सैचुरेशन को या ह्यू को देख सकता हूँ। थोड़ा सा मैं इसके ह्यू को कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो आसमान का जो कलर नज़र आ रहा है वही कलर इन माउंटेन्स के ऊपर आ जाए। ठीक, ये मैंने इसके सैचुरेशन थोड़ी सी कम की, सैचुरेशन कम करने से ही होता है कि वो ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, और इस इनकी लाइटनेस थोड़ी सी यहाँ से और इनको लाइट करती है। चलें, अब ये हमारे पास ये काफ़ी मर्ज हो गया है आसमान के साथ। ठीक, मैं इस ग्रुप के अंदर जाऊँगा और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो आगे का जो पोर्शन है इसके अंदर हमें ये लैंड नज़र आ रही है जो कि इन माउंटेंस के उस पिक्चर के अंदर थी। इसको हटाने के लिए मैं ये जो सबसे पीछे वाला जो लेयर है इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं यूज़ करता हूँ, इसको कहते हैं स्टैम्प टूल, क्लोन टूल। ठीक है, आपने यहाँ से क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ किया, उसी इमेज के अंदर से कोई भी उसका पार्ट लेके आप उसको कहीं भी पेंट कर सकते हैं। तो मैं जब ब्रश से ऑल्ट दबाऊँगा इस क्लोन टूल को सिलेक्ट करके, यहाँ से ये वाली सिलेक्शन ली और इसी को वो वहाँ पर क्लोन कर रहा है, यानी उसी की कॉपी बना। अब मैं वो जहाँ पेंट करूँगा वही इमेज पेंट होगी। तो वो वाली जो इमेज थी उसी इमेज के थ्रू मैंने इन्फॉर्मेशन लेके तो उधर मैंने पेंट कर दिया। इसको हम कहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल। वो नेक्स्ट है हमारा कैसल, तो मैं इसके ऊपर भी एक लेयर लेता हूँ, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और एडजस्टमेंट है वो ह्यू सैचुरेशन की, और मैं इसके साथ इसको लिंक कर देता हूँ, इस एडजस्टमेंट लेयर को इस वाली लेयर के साथ
लिंक कर देता हूँ, ठीक। ज़रा सा मैं इसके अंदर ब्लू लेके आऊँगा, आसमान के जिस तरह का कलर है, और मैं इसको भी लाइटनेस में थोड़ा सा हल्का कर रहा हूँ। एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे हमारा जो ये कैसल है वो बहुत दूर है, ये ब्लू कलर की वजह से एकदम से हमें इस चीज़ का आइडिया हुआ। दिस इज़ द एंड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड आई विल बी पोस्टिंग द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। इन द नेक्स्ट पार्ट विल ट्राई कि हम लोग कैसल को और ज़्यादा डिवेलप करें और उसको इवनली मैच करें पूरे हमारे इमेज के लिहाज से। जो आपका फोरग्राउंड है उसको भी हमने सही से हैंडल करना है, उसको कलर देना है, उसको शेडोज़ देने हैं, और इसी तरह से हमें अपने कैसल के साथ भी शेडोज़ देने हैं। और सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ट्यूटोरियल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।